आप देख रहे हैं अपना समाचार। आंखें दिख रही होंगी, हल्का हल्का लाल होगा अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तो। बहुत इमोशनल फिल्म बनाया उन्होंने मंजुल भाई। आई एम स्पीचलेस एक्चुअली, कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। हम लोग आए थे अभी, फर्स्ट डे है, सेकंड शो हम लोग देखने आए थे नवरंग सिनेमा में। अभी मैं क्या बोलूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। संजीता जी हैं जो इस फिल्म की हीरोइन है, इनके आँखों में ऐसे आंसू दिखाई दे रहा है। फिल्म ही ऐसी है, मतलब मैं खुद ही इमोशनल हो गई हूँ इस फिल्म में। कैसी लगी? बहुत प्यारी फिल्म है और जो जो फिल्म बांध के रख रही है ना, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आ रही है। हम लोग शुरू से लास्ट तक फिल्म देखें और हाँ। मतलब अब क्या होगा, अब और क्या होगा। सबसे खुशी की बात है, मेरी और एक फिल्म रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी, मेरे प्यार से मिला दे। उस फिल्म के जो मेरे को एक्टर्स हैं सारे मुझे आए मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए, मेरे फ्रेंड राम जी आए, तो वो था एक हौसला। एंड ये फिल्म ज़रूर सबको अच्छा लगेगा, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई एम लकी कि मैंने इतने अच्छे अच्छे एक्टर के साथ काम करने के लिए मुझे मौका मिलता है। एंड मैंने किया है कुछ, मैं खुद ही इमोशनल हो गई। मैं मंजुल सर के लिए मैं थैंक यू बोलूँगी, मंजुल सर ऐसी फिल्म जो मुझे मौका देते, मुझे चांस देते इस जगह पे, तो थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, हमेशा सीखूँगी आपसे, और हमेशा आप मेरे साथ रहिएगा। एंड प्रदीप सर को भी मैं थैंक यू बोलूँगी कि प्रदीप सर आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई भोजपुरी, मतलब इंडस्ट्री में एकदम फैमिली फिल्म लेके आए, सबको ये फिल्म बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्रदीप सर आपकी तारीफ़ मैं क्या करूँ, आपके बारे में सब लोग जानते हैं। आपने मुझे कितना कैसे करके रखा है सेट पे, मुझे हर एक दिन याद है। तो थैंक यू, एंड थैंक यू चिंटू जी, आकांक्षा यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आप दे मतलब हम दोनों एकदम बहन लग रहे हैं। अनीता जी, किरण जी, सबको मैं थैंक यू बोलूँगी। सबकी तारीफ कर रही हैं ये, सबकी तारीफ कर रही हैं। और मैंने देखा इस फिल्म में ना आप बहुत कुछ कॉमेडीज भी है, एक कॉमेडीज है और चिंटू भाई, हाँ चिंटू जी सही है। और मंजू सर आपके लिए मतलब कैसे हाथ उठा के क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना वो आपके लिए। मंजू सर सीरियसली, एंड चिंटू भी बहुत अच्छा, थैंक यू चिंटू कि एक सपोर्ट, एक हेल्प एज ए फ्रेंड, एज ए को एक्टर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया। आपकी विवाह के बाद हमारी फिल्म, हाँ मेरे प्यार से मिला दे, उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छी फिल्म बनी है, ये भी एक फैमिली मूवी लेके आ रही है। किशन राय के साथ, किशन राय, भाई नहीं आया, प्राची, आशी, बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स है उसमें, और वो फिल्म भी पक्का आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और मैं आप लोगों से मतलब जो भी देखेगा आग्रह करूंगा कि आप लोग ये फिल्म देखिए, और आप अब जो भी आपके दोस्त हैं या फैमिली है लेके जाइए, बहुत प्यारी फिल्म है, आप लोग देख सकते हैं सबके साथ। और सबसे बड़ी बात, मैं संडे को भी आ रही हूँ, मैं फुल टीम के साथ यहाँ पे फिल्म देखने के लिए, ऑडियंस के बीच में हम लोग आ रहे हैं, हम लोग भिमांडी भी जा रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। किरदार के बारे में, जब मुझे मंजुल सर ने ये ऑफ़र दिया था तो मैंने सोचा था मैं कॉमेडी तो सर नहीं कर पाऊँगी कैसे, तो सर ने बोला आप ही कर लेंगे। तो मतलब मुझे ये जो किरदार मिला है ना, सर ने मुझे बहुत, मंजुल सर मेरे लिए बहुत फाइट करते, मतलब लाइक मुझे कैसे करके पेश करेंगे, किस कैरेक्टर में लेकर, जैसे निरोवा हिंदुस्तानी 2 में आप लोग ने देखा है जिस कैरेक्टर में, उससे डिफरेंट कुछ मैंने किया इस फिल्म में, मौका मिला है, कॉमेडी भी किया, इमोशन भी है, सब कुछ मतलब मिक्स है, तो आई रियली एंजॉयड। एंड मैं उस टीम को आज बहुत मिस कर रही हूँ इस मोमेंट, बहुत अच्छा, बहुत, मैं खुद ही घूंघट के अंदर हंसती थी ऐसे ऐसे करके। एंड मैं सभी ऑडियंस को बोलूँगी प्लीज़ ये फिल्म देखिए, एंड फैमिली के साथ जाके देखिए कि आप लोगों को सही में बहुत अच्छी लगेगी कि ऐसी फिल्म इतने दिन बाद आई है, तो प्लीज़ देखिए। एंड बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद एंड सपोर्ट कीजिए हम, हाँ वो तो मतलब मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बिहार में रिलीज़ होने जा रही है, एंड बहुत अच्छे, मुझे पक्का 100% श्योर हूँ कि बहुत अच्छी रिपोर्ट मिलेंगे, क्योंकि फैमिली मूवी है, छठ पूजा है, इतने बड़े ओकेशन में इतनी अच्छी फिल्म आ रही है, तो सारे लोग आप अपने फैमिली के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, प्रेमिका के साथ जाइए, जाइए एंजॉय कीजिए एंड देखिए, बहुत अच्छी फिल्म आ रही है।